अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के कुख्यात शराब माफिया रमेश प्रधान आज सुबह पुलिस से हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। मंगतपुरा ब्रह्मपुरी निवासी रमेश प्रधान पर टीपी नगर ब्रह्मपुरी थाने में 28 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। बकौल पुलिस, बीती रात करीब 1 बजे बिजली बम्बा बाईपास पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। सिल्वर कलर की वैगन आर को जब रोकने की कोशिश की तो चालक ने पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए गांधी इंस्टीट्यूट वाले रास्ते पर वैगन आर को दौड़ा दिया। यहां पुलिस पर फायरिंग भी की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसकी पहचान रमेश प्रधान के रूप में हुई। कार से 6 पेटी शराब व तमंचा भी बरामद हुआ है। मौके पर मौजूद CO अमित कुमार राय ने यह जानकारी दी। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का कुख्यात शराब माफिया रमेश प्रधान, जिस पर 28 मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है, आज अपने वैगनार गाड़ी से आ रहा था। जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि इसके पास कुछ अवैध शराब भी है। इस पर इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी की टीम ने इसे रोकने की कोशिश की। इसने बैरियर को धक्का देकर गिराया अपनी गाड़ी से और भागा। इस पर पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से 6 पेटी शराब, एक वैगनार गाड़ी, 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।